आपके पास वन प्लस 11R, 11 5G कोई भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप प्राइवेट सेफ यानी कि फ़ोटो वीडियो हाइड कैसे कर सकते हैं अपनी गैलरी से। तो इसके लिए आप यहाँ पे गैलरी ओपन करेंगे, किसी भी वीडियो को हाइड करना है मान लो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हाइड का ऑप्शन है, हाइड पे क्लिक कर लेंगे। ये आपका हाइड हो गया है, देख सकते हैं। ठीक है, मान लो इसको भी हाइड करना है, इसको भी आपने सेलेक्ट किया, यहाँ हाइड का ऑप्शन आ गया, क्लिक करेंगे, ये भी आपका हाइड हो गया है। अब ये हाइड तो हो गया है, अभी यहाँ पे आप ऐसे एल्बम पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको हिडन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड सेट किया हुआ है या ऐप लॉक सेट किया हुआ है तो दोनों सेम काम करता है, तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको हिडन एप्लीकेशन मतलब हिडन फाइल वगैरह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वापस से अनहाइड करने इसको सेलेक्ट करेंगे और सेट एज पब्लिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जहाँ से भी आपने इसको लिया था वो वहीं पे चला जाएगा, स्टोरेज सेलेक्ट कर लेंगे, सेट एज पब्लिक जहाँ से लिया था वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये गैलरी में आपके वापस आ चुका है। ठीक है, आपको जाना है एल्बम में तो यहाँ पे आपकी हिडन फाइल्स दिख जाएंगी। अब एक चीज़ और कि आप यहाँ पे अगर सेटिंग पे रहते हैं, सेटिंग पे रहने के बाद यहाँ पे ना आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो ये प्राइवेसी पासवर्ड है। अगर आपने इसको सेट कर लिया तो इसको सेट करने के बाद आपका जो भी है ऐप लॉक, ऐप हाइड, प्राइवेट सेफ तीनों के लिए ये सेम काम करता है। अब यहाँ पे आने के बाद आप प्राइवेट सेफ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आप इमेज वीडियो हाइड कर सकते हैं, ऑडियो हाइड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट और अदर फाइल कुछ भी आप हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप सेटिंग कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।